दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फेवरेट फार्मिंग में, और लेके आए हैं किसान भाइयों के लिए कमाल की वीडियो। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे शहबाज कुरैशी जी से, जो कि मात्र 22 साल के हैं और पढ़ाई के साथ साथ वो अपना गोट फार्मिंग का बिजनेस भी कर रहे हैं। इनसे जानेंगे इसमें आखिर आप इन्होंने यही बिजनेस क्यों चुना। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले अपना एड्रेस बताओ, अपना नाम वगैरह बताओ। मेरा नाम शहबाज कुरैशी है जी, और ये फार्म वडोदरा में लोकेटेड है, गुजरात में। अच्छा 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 जी। अच्छा सर, कितना टाइम हो गया आपको ये फार्म चलाते हुए? फार्म स्टार्ट किए 1 ईयर हो गया। 1 ईयर हो गया। अच्छा अच्छा। और भी बहुत सारे बिजनेस, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है पहले हमें बताइए? मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। ग्रेजुएशन किया हुआ। ग्रेजुएशन के बाद ये बिजनेस क्यों चुना, इसमें क्या खास बात है? ये क्या है, शौक है मेरा एक। अच्छा, शौक के तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, कमाई नहीं होती? कमाई भी तो है। कमाई तो है बिल्कुल, इसीलिए अच्छा, से संभाल रहे हैं। सही सही बताना, क्या है ना, हम थोड़ा ऐसा नहीं कि फेंका फेंकी में विश्वास नहीं करते। कितनी कमाई हो जाती है? सबसे पहले बताओ, ये आपने जो शेड रखा है कितने बाय कितने का है? इतना मेरे को अंदाज नहीं है इसका, क्योंकि मैंने भी नया सेटअप किया। मेरा एक सेटअप दूसरी जगह पर था, वहां से मैं 20 जगह पर आया। कितना है अंदाजा? नहीं, इसका इतना कुछ पता है नहीं अपन को। अच्छा, आपने जब इसकी शुरुआत की थी कितने गोट से की थी? मैंने 40 बकरियां थी, 40। और 3 बकरे थे मेरे पास, ब्रीडर थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और उससे अपन ब्रीडिंग किया हुआ था, बच्चे काफ़ी थे, काफ़ी सेल हो गए। कुछ बच्चे हैं जो अभी अपने पास फिलहाल में। अच्छा, बट अभी अपन ज़्यादातर ट्रेडिंग में ध्यान दे रहे हैं। ट्रेडिंग में? हाँ जी। अच्छा, अभी अपन ब्रीडिंग से ज़्यादा ट्रेडिंग में ध्यान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अपन को क्या है ना, थोड़ा पैसों के लिए जो साल रुकना पड़ता है ब्रीडिंग के अंदर, एक साल तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा। उस हिसाब से क्या आएगा कि जैसे अभी कोई नया फार्मर होगा जी जी, उसको इतना पता नहीं होगा जी जी, तो उस हिसाब से अपन क्या कि ट्रेडिंग में इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा पैसा अपना भी ये हो जाए, कवर होता रहे हर मंथली जो अपना खर्च निकलता रहे। अच्छा, उस हिसाब से कर रहे हैं। अच्छा, आपने कौन सी नस्ल रखी है? अपने पास पदीरा में है। चलिए दिखाइए हमें थोड़ा, पदीरा में है। चलते चलते बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं जी, खोल लो आराम से। हाँ जी, कौन सी नस्ल रखी है शहबाज भाई आपने? ये पतीरा है सर जी। पतीरा? पतीरा, हाँ। इसको पतीरा ही बोलते हैं? पतीरा बोलते हैं, गुजरात की सबसे फेमस। सबसे फेमस है। हाँ जी। ये देखिए, ये उसका ये बकरा है। हाँ, ये पतीरा ब्रीडर है। आप ईद वगैरह के लिए बकरे सेल करते हैं? हाँ, ईद के लिए नहीं, अपन ब्रीडिंग करते हैं। अच्छा, ब्रीडिंग। बट अभी अपन देखो, अब ट्रेडिंग में जा रहे हैं तो उसमें बकरे करेंगे। अच्छा, बकरे बकरे जो भी माल आएगा, बच्चे आएंगे, जो कुछ आएगा अपन। अच्छा सर, इस वैरायटी की खास बात क्या है, मुझे ये बताइए। ये वैरायटी ऐसी है कि तुम कैसी बकरी हो, देसी बकरी हो या बीटल हो, बीटल पकड़ लेता हम जी जी, बीटल पे भी इस बकरे को लगाओगे तो बच्चे व्हाइट डालेगा, वो गुलाबी बच्चे डालता है। गुलाबी बच्चे? हाँ, उसकी स्किन भी आपको मैं दिखा दूँ जी जी, कुछ इस तरह की स्किन रहती है। ये मारेगा तो नहीं इसका? नहीं नहीं, डाले मुझे। अच्छा अच्छा, स्किन ऐसी रहेगी? हाँ, ऐसी स्किन में व्हाइट बच्चे डालता है वो। अच्छा, ये इसकी खास बात है? इसकी खास बात है। किसान भाई इस वीडियो के माध्यम से कोई करना चाहता है तो क्या क्या सावधानी रखे? शुरू शुरू में आपने अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, अगर कोई गोट फार्मिंग करना चाहता है कैसे शुरू करे, बीमारियां कैसे बचे इस चीजों से? पहले तो एक डॉक्टर कंसल्ट करे। अच्छा अच्छा। हाँ, शुरू ट्रेनिंग का बता दो ना, ट्रेनिंग नहीं लेनी? ट्रेनिंग लेनी है, बट क्या डॉक्टर कंसल्ट करेगा तो वो अच्छा रहेगा, आगे रहेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, वो उसकी सबसे अच्छी दवाई करेगा, डॉक्टर का काम डॉक्टर ही समझ सकता है, अपन फार्मर अपन वही संभाल सकते हैं। मेन बीमारी कौन कौन सी आती है इसके अंदर? पीपीआर। पीपीआर? हाँ। अच्छा। और सर्दी के अंदर ज्यादातर जो सर्दी में जानवर आ जाता है, बच्चों के अंदर ज्यादा सर्दी बहुत आ जाती है। अच्छा, सर्दी आ जाती है। अच्छा, तो उसकी रोकथाम के लिए वैक्सीन नहीं करना पड़ता? वैक्सीन नहीं, तुम नॉर्मल दवाई भी दे सकते हो, ह्यूमन मेडिकल्स की भी जो हम जो लेते हैं सर्दी वगैरह के लिए, वो दवाई भी दे के आप उसको मतलब कवर कर सकते हो बच्चों में। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, कोई किसान भाई अगर करना चाहता है शुरू में, कितने बच्चों से स्टार्ट करे उसके बारे में बताइए, और कम से कम खर्चा कितना आएगा? कम से कम करके 20 बकरियों से अगर करता है और एक ब्रीडर रखता है तो वो आगे रहेगा, उसको कम खर्चे में पड़ जाएगा। और कम से कम अपन पकड़ के चल दो 15-20 हज़ार की बकरी पकड़ लेते हैं। 15-20? हाँ। और एक ब्रीडर तुम अच्छी क्वालिटी का ले लो, तुमको अच्छा मतलब रिजल्ट मिलेगा। ब्रीडर में ज़्यादा पैसा अगर हो सके तो खर्च करना चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि जो है उस पर ये डिपेंड रहता है। अच्छा सर, आपने बस एक ही नस्ल की पाली है? हाँ, मेरे पास और भी है, 2-3 नस्ल आपको दिखा देता हूँ। दिखाइए। ये सोजत में है? ये सोजत है। हाँ जी, पंच फेस की। अच्छा अच्छा, देखिए जी जी, ये सोजत है। इसकी क्या खास बातें हैं? ये राजस्थान की नस्ल है। ये राजस्थान की। और कौन सी नस्ल है आपके पास? और एक तोता परी में अपने पास। तोता परी है? हाँ, तोता परी हमारे यहाँ चलती है। हाँ जी, बता। ये तोता परी है। तोता परी है। ठीक ठीक, मतलब तीन तरह की नस्ल आपने रखी है। मेरे पास ज्यादा तो पहले तोता परी में ही काम कर रहा था। अच्छा अच्छा। बट फिर धीरे धीरे मैं ट्रेडिंग में आया तो मैंने वो जानवर जिस तरह निकलता गया निकलता गया। अभी मेरे पास क्या ज्यादा, मैं पतीरा में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो गुजरात की नस्ल और ज्यादा अच्छा पैसा देके जाती है। पैसा भी देगी और इन्वायरमेंट को सूट करेगा, सेट करेगा, क्योंकि उनको यही की वो है नस्ल, इसलिए सोजत में अपने पास एक। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, हमें सर ये बताइए, ये जो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं
तो इसमें ये कैसे करें उसके बारे में बताइए। ट्रेडिंग अच्छी है, ब्रीडिंग अच्छी है, आपके हिसाब से क्या? मेरे हिसाब से ट्रेडिंग अच्छी है। ट्रेडिंग अच्छी है, कैसे? तुम्हारा पैसा तुम जैसे डालोगे वैसा जानवर निकलेगा तुम्हारे कॉन्टेक्ट होकर, तुम्हारा पैसा वही छूटा हो जाएगा। अब ब्रीडिंग में क्या है, तुमको साल दो साल रुकना पड़ेगा पैसा डालने के। जी 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 हाँ, क्योंकि बच्चा संभालना, बकरी की केयर करना, जब वो प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे तुम्हारा उसको ख्याल रखना। अच्छा। अब कुछ बकरी ऐसी हो जाती है कि जैसे प्रेग्नेंट होने के बाद जब बच्चे देने का वक्त आता है उसमें बच्चे फंस जाते हैं। अब तुमको इतना पता होगा नहीं कि क्या करना क्या नहीं करना। जी जी। तुम डॉक्टर को उस टाइम बुलाओगे तो भी एक ऐसा समझ लो आधा घंटा तो लगेगा डॉक्टर को जाने में, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, जानवर मर सकता है उस हिसाब से। अब होने के बाद कुछ बकरी ऐसी होती है जो ठंड में बच्चे दे देती है, तो साथ में ठंड में ज्यादातर बच्चे मरते हैं। ज्यादातर मरते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो आपकी राय से ट्रेडिंग बेस्ट है? ट्रेडिंग बेस्ट है। ब्रीडिंग करें पर थोड़ा करें? हाँ, थोड़ा छोटे पैमाने में शौक हो तो उस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, आगे आपकी भविष्य में क्या रहेगा आपका? ट्रेडिंग में करेंगे। ट्रेडिंग में ट्रेडिंग टोटल और बढ़ाएंगे? और बढ़ाएंगे। अच्छा, अब अंत में अगर कोई किसान भाई आपसे बच्चे खरीदना चाहता है, एक अपना कांटेक्ट नंबर दे दो। मेरा कांटेक्ट नंबर 9328215393। अच्छा, ये गुजरातियों के लिए है कि पूरे भारत में हमारे फार्मर? कहीं पे भी जहाँ मंगाओगे मिल जाएगा। अच्छा, चला जाएगा, ट्रांसपोर्ट की सुविधा हर जगह कर देंगे। ठीक है, अपने से बकरी बकरा जो तुमको यहाँ जितना जानवर दिखा है सब कुछ सेल के लिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये जो आपकी नस्ल है कौन सी नस्ल बताई थी? पतिरा। पतिरा, ये सारे इन्वायरमेंट को सूट करती है? हाँ, इसको तुम मतलब कोई भी जानवर होगा तुमको यहाँ इन्वायरमेंट सूट करने के लिए 15-20 दिन लगता है कोई भी जगह जाने के लिए। जी जी जी। उस टाइम उसको थोड़ा संभालना पड़ता है, बाद में जानवर सेट हो जाता है। अच्छा, अगर कोई गोट फार्मर हमारी ये वीडियो देख रहा है, अंत में आप एक टिप्स दो। अच्छा। ऐसा क्या करेगा उसके प्रॉफिट हो, नुकसान, मतलब आपको भी एक्सपीरियंस एक साल का, हाँ उसके बारे में बताइए सब। अगर ट्रेडिंग कर रहा है तो जानवर को कुछ ट्रेडर इस तरह होते हैं कि क्या है कि थोड़ा पैसों के लिए धोखा करते हैं। हाँ, धोखा करते हैं, वजन बढ़ाने के लिए गुड़ वगैरह करते हैं, उसके बारे में बताइए। हाँ, वो चीज़ क्या रहती है कि खाना उसको पूरा दिन खिलाते हैं, पानी नहीं देते। वो एक टाइम पैसा होता है कि सडन टाइम पे जब देने का होता है उस टाइम पर पानी उसको ज्यादा पिला देते, गुड़ वगैरह डाल के। जानवर क्या पानी बहुत ज्यादा पीता है, अब तुम उसको वेट मशीन पे चढ़ाओगे तो वो वेट ज्यादा ही बताएगा, घर आगे दस्त लगते मर जाता है। बस वही ध्यान रखना है। हाँ, कैसे ध्यान रखें इस चीज़ का? इस चीज़ का जानवर को देखो उसका पेट ज्यादा फुला हुआ ना हो। अच्छा अच्छा, उसे पता ही चल जाएगा उसके पेट पर जरा भी हल्का सा भी हाथ लगाओगे तो पानी हिलने लगता है। पानी हिलने लगता है, पानी इतना ज्यादा कोई भी पिएगा, अगर इंसान भी पिएगा तो चलेगा, तो उसको पता चलता है कि पानी में पिया तो हिल रहा है थोड़ा बहुत। ज्यादा खाना नहीं खाएगा और पानी पिएगा तो उसे पता चल जाता है। अच्छा, अब बात करें सर इसके खान पीन की, एक बकरा है मतलब इनका खाना पीना क्या क्या खिलाते हैं आप इनको? मैं इनको गवार भूसा खिलाता हूँ। गवार भूसा? अच्छा, और पानी का कैसे है? पानी बाद में पिलाना चाहिए खाने के? गवार भूसा क्या आएगा कि जानवर खाता है ना, पानी बहुत अच्छा पीता है। अच्छा अच्छा, तो उसे क्या, जितना जानवर पानी पिएगा उतना अच्छी चीज है। अच्छा सर, हमारी बकरी बीमार है उसकी क्या पहचान है? पूछ नीचे कर देगी। अच्छा अच्छा, खूने में खड़ी है क्या, अलग से एक जगह पे खड़ी हुई, मतलब उदास ही रहेगी? हाँ, उदास ही रहेगी। अच्छा, ज्यादा खाएगी नहीं खाना? तो आपके हिसाब से अगर जो बीमार बच्चे रहते हैं बकरे या बकरियां, तो उनको अलग साइड में? हाँ, वो बिल्कुल करना पड़ेगा तुम्हारा क्वारंटाइन। अच्छा। उसको करना ही पड़ेगा क्योंकि अच्छा। वो क्या है ना, बीमारी फैलती जाती है, तुम जैसा भी रखोगे 5-6 बच्चों में, वो 5-6 बच्चों में और फैल जाएगी। सर बहुत बढ़िया जानकारी दिया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।